स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, जिसके पहले दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा। सिंगल और डबल्स दोनों में ही भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। टूर्नामेंट के मेन सिंगल के फर्स्ट राउंड में चीन के खिलाड़ी शी यूकी ने समीर वर्मा को हार का स्वाद चखा दिया। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी शी यूकी ने 3 गेमों तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में समीर को 22-20, 21-23, 21-12 से हरा दिया। आपको बता दें, चीनी खिलाड़ी शी यूकी ने पिछले साल दिसंबर में विश्व टूर्नामेंट फाइनल्स के सेमीफाइनल में भी समीर को हराया था। मिश्रित युगल में प्रणव चेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी ने आयरलैंड के सैम मैगी और चोले मैगी को 22-20, 24-22 से हरा दिया। टूर्नामेंट के दूसरे दिन किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने इंडोनेशिया के एहसान मौलाना मुस्तफा को 21-18 और 21-16 से हराया। दूसरी ओर एचएस प्रणव को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। उन्हें थाईलैंड के स्थिति कोम थाम मासिन ने 12-21, 21-16, 21-14 से हराया।